तो व्हाट्सअप गाइस कैसे आप सब, मैं आपका अपना रामन भाई आज फिर एक वीडियो लेके आऊँ। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ भाई, आजकल जो है सबके घर में वाटर प्योरीफायर लगा होता है और एक क्या होता है कि जब उसकी कैंडल वगैरह चेंज करने का टाइम आता है, जैसे कि मैं आज जो बात करने वाला था स्पेशल बात करने वाला हूँ प्योरिट के लेकर, क्योंकि इसमें जो बहुत ज्यादा जो दिक्कत आती है क्या होता है उसमें जो फिल्टर का जो एक टाइम होता है कि मतलब 5 लीटर या 6000 लीटर तक जो है पानी जो है वो फिल्टर करेगा, उसके बाद जो है उसमें रेड और ग्रीन और ब्लू 3-4 कलर की लाइट्स होती है जो मतलब इंडिकेट करती है कि आपको किस टाइम पे क्या सर्विस अपने आरओ की करानी है। तो आज प्योरिट के बारे में जिसके बारे में बात करने वाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्योरिट का है, जो ये कह रहा है SF और GK के, यानी कि कैंडल वगैरह चेंज करने के लिए कह रहा है। और अभी जो है इसमें कुछ टाइम पहले, एक हफ्ते पहले रेड लाइट जो इंडिकेट कर रही थी, अब जो रेड लाइट इंडिकेट नहीं कर रही है वो एक जगह जो है स्टेबल हो गई है। और अब जो है आरओ ने, जो हमारा प्योरिट का आरओ है, उसने जो है पानी फिल्टर करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो भाई बस 2 मिनट लगते हैं, आपका जो फिल्ट्रेशन है वो दोबारा ऑन हो जाएगा, पानी दोबारा फिल्टर होने लग जाएगा। क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो कुछ टाइम लिमिट देती है कि इतना ही पानी फिल्टर करने के बाद जो है वो एक वार्निंग दे देता है, बट आप इसे कुछ टाइम के लिए 2-4-10 दिन के लिए और एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो, उसके बाद जो आपको कैंडल वगैरह की जो सर्विस है वो करानी पड़ती है। तो भाई वीडियो में बने रहेगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, और सिर्फ 2 मिनट लगने और आप घर पे ये काम खुद ही कर लेंगे, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए जान लेते हैं हमारे आरओ की, जो ये देखिए लिखा रहा है चेंज SF और GK के, जो कैंडल वगैरह चेंज करने के लिए जो रेड लाइट जो स्टेबल हो जाती है, उसके बाद जो होता है हमारा जो आरओ है वो पानी फिल्टर करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो आज वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो हमें इसके आगे का जो कैप लगा हुआ है इसको घुमा के खोल लेना है, और ये बहुत ईजी है, आप इसको जैसे घुमाएंगे देखिए पूरे तरीके से खुल गया। और इसको जो खोलने का तरीका है, इसके ऊपर देखिए मैं ऊपर साइड दिखाता हूँ आपको, इसके देखिए ऊपर साइड 2 स्क्रू दिए होते हैं, इन दोनों स्क्रू को जो है आपको बस खोल लेना, इनके ऊपर एक रबड़ लगी होती है, रबड़ हटाएंगे देखिए, और रबड़ हटाने के बाद जो है स्क्रू होगा, हमें स्क्रू खोल के इसका जो आगे वाला जो फ्रंट वाला कवर है हमें इसको खोल लेना है। अभी देखेंगे वीडियो में कैसे हमें इसे ओपन करेंगे, और उसके बाद क्या आप इसे कुछ टाइम तक और भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपको सर्विस करा लेनी चाहिए क्योंकि पानी जो फिल्टर है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए जैसे कि, लेकिन आप इसको कुछ टाइम तक जैसे कि जैसे मैंने बताया था आप चलाना चाहें तो चला सकते हैं। तो ये देखिए मैंने स्क्रू को जो है पेचकस से मैं यहाँ से खोल ले रहा हूँ। भाई ये प्योरेट का G2 वाला मॉडल है, लेकिन जितने भी प्योरेट के आरओ हैं सब में मोस्टली इसी तरीके से ही ये जो LED वाला फंक्शन काम करता है वो सेम ऐसे ही होता है। तो ये देखिए भाई मैंने फ्रंट का जो इसका कवर था ये देखिए मैंने खोल लिया है, फ्रंट कवर इसका मैंने निकाल लिया। बट एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, प्योरेट जो है आपका वो चालू होना चाहिए। देखिए लाइट अभी भी रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, ब्लिंक नहीं कर रही मतलब स्टेबल है रेड लाइट, तो प्योरेट को ऑन ही रहने देना है। उसके बाद देखिए मैंने फ्रंट कवर खोला, इसे हटा देता हूँ फ्रंट कवर को, आगे की तरफ देखिए मैंने कर लिया है। अब ये देखिए जो पहले वाला जो सेगमेंट है उसके नीचे देखिए यहाँ पे आपका एक पावर सप्लाई का अडेप्टर है और एक LED फंक्शन जो जिसमें सारा मतलब सिस्टम है जो आपको मतलब एक टाइमिंग के बाद जो इंडिकेट कर देता है कि आपको सर्विस की ज़रूरत है या आपको कैंडल वगैरह चेंज करनी है। तो देखिए 2 अडेप्टर है, एक पावर का है और जो सेकेंड वाला है वही है LED का। तो ये देखिए मैं इसको बाहर ले आया इस दोनों अडेप्टर को, तो ये देखिए एक छोटा सा बटन आपको दिख रहा है, ये देखिए एक छोटा सा बटन लगा हुआ है ना, इसी को बस आपको कुछ नहीं करना, प्रेस करके होल्ड करके रखना है 2 सेकेंड के लिए। चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, देखिए ये छोटा वाला जो बटन है इसी को 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और आपका जो प्योरीफायर है वो पानी दोबारा फिल्टर करने लग जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे 2 सेकंड के लिए होल्ड किया और ये देखिए अब जो है हमारा आरओ जो है स्टार्ट हो गया, पानी फिल्टर करने लगा है, ये इसकी जो मशीन है वो स्टार्ट हो गई है। और जो आगे आगे जो रेड लाइट देखिए शो कर रही थी, अब वहाँ पे वो ग्रीन लाइट शो करने लग जाएगा। तो देखिए चलिए मैं आपको ये आवाज़ सुनाता हूँ, देखिए जो पानी फिल्टर हो रहा है, जो पानी हमारा जो फिल्टर होने लगा है, देखिए आप आवाज़ सुन के देखिए इसकी। तो ये देखा आपने मतलब, ये देखिए यहाँ पे जो है अब ग्रीन लाइट जो है जलने लगी है, रेड लाइट हट गई है। और अब जो ये अडेप्टर है हमारे, फिर इसको यहीं पे नीचे सेट कर देना है, सेट कर दिया, आगे का जो फ्रंट कवर था उसको लगा दिया है, फिर दोबारा वैसी सेम प्रोसेस है भाई, अपने स्क्रू को आप टाइट करके इसका जो फ्रंट कवर है उसको लगा दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे लगा दिया, अब देखिए यहाँ पे जो ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है, पानी जो है हमारा वो फिल्टर होने लग गया है। ये देखिए छू के मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मोटर जो है इसकी स्टार्ट हो गई है और पानी जो है हमारा फिर दोबारा फिल्टर हो रहा है। तो ये देखिए क्लासिक का G2 मॉडल है। तो इस तरीके से जो अगर आपको LED की प्रॉब्लम आ रही है रेड की या ब्लू की, आप उसको ठीक कर सकते हैं। और ये देखिए भाई नीचे से जो हमारा पानी जो है, जो वेस्टेज पानी है वो नीचे की तरफ निकल रहा है, यानी कि हमारा फिल्टर ऑन हो चुका है। तो भाई वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियोज़ आते